तो गाइस आज के स्टूडियो के अंदर मैं सर्वाइव करूंगा अनदर 100 एज इन माइनक्राफ्ट पिक्सल मोड, लेकिन इस बार मैं खेलूंगा पॉकेट पिक्सल के मल्टीप्लेयर सर्वर में। तो इस वीडियो के अंदर मेरे मेन दो गोल है, पहला लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ना और उनको मैक्स लेवल तक बढ़ा करना, और दूसरा अलग अलग जिम में लड़के सार बेस कलेक्ट करना। तो क्या मैं इन गोल को पूरा कर पाऊंगा, जानने के लिए पूरा वीडियो देखे। और आपका गोल है वीडियो को लाइक मारना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस ये पॉकेट पिक्सल सर्वर की लॉबी और इसकी आईपी है play.pocketpixel.net। तो यहाँ की पूरी लॉबी हेलोवीन की थीम से भरी हुई है, क्योंकि अभी हेलोवीन का त्योहार चल रहा है। तो गेम में जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ साइन बोर्ड, जो कि हमें शो करते हैं कि किन किन दिन में कौन कौन से पोकेमोन स्पॉन हो गए। और साथ ही में यहाँ पर बड़े बड़े बैनर है, जो कि हमें वीकली इवेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देते है, जैसे कि अभी चल रहा है स्पूकी क्रेट इवेंट। ओके, तो गेम में जाने से पहले हमें एक और काम करना है, जो कि हमारे वेलकम पैक को क्लेम करना। और ये पैक सभी के लिए अवेलेबल है, तो इसे क्लेम करने के लिए हमें जाना पड़ेगा shop.pocketpixel.net पे। तो यहाँ पर आकर आपको सिंपली फिशर आइटम पे जाना है और अपने वेलकम पैक को क्लेम करना है। तो बेसिकली इस पैक के अंदर आपको एक शाइनी पोकेमोन, एक मास्टर बॉल और कई और चीजें मिलेगी। ओके, तो मैंने वेलकम पैक को क्लेम कर लिया है और अब वक्त आ गया है गेम के अंदर जाने का। तो मैं यहाँ पर खेलने वाला हूँ पिक्सल मोन येलो। तो सर्वर सिलेक्ट करने के बाद अब बारी है हमारे पहले पोकेमोन को सिलेक्ट करने की, और इतने सारे ऑप्शन को देखकर कंफ्यूज होते हुए मैंने चुना रियोलू को। तो हमारी ब्रांड न्यू जर्नी स्टार्ट होती है हमारे फ्री के घर के साथ। नहीं, एक घर मेरा नहीं है, इस घर को सर्वर के किसी प्लेयर ने बिल्ड किया है। तो अगर आपको भी इसमें खेलना है तो सर्वर की आईपी है play.pocketpixel.net, जिसे आप माइनक्राफ्ट जावा के साथ खेल सकते हो। और इसके ट्यूटोरियल के लिए आप जा सकते हो getpixelmon.com वेबसाइट के ऊपर। तो वक्त आ गया है हमारे वेलकम पैक को देखने का, जिसको हमने वीडियो की स्टार्टिंग में क्लेम किया था। तो पैक के अंदर हमें मिले हैं 25 आम बॉल, 16 ग्रेट बॉल, 8 अल्ट्रा बॉल और एक मास्टर बॉल। और साथ ही में हमारे पोकेमोन के बूस्टअप के लिए हमारे पास है 3 पोशन, 10 हेलोविन क्रेट की, 64 मूव टोकन और 32 रेयर कैंडी। एंड या साथ ही में हमारे पास है अल्ट्रा स्पीडी बूट, थोड़ा बहुत कसरा और शाइनी वाइनी डायमंड टूल। तो इस सारी आइटम और टूल को देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही अमीर बन गया हूँ। तो नहीं, मेरे पास सिर्फ 1500 पोके डॉलर है, और पिक्सल की इस दुनिया में पोके डॉलर के बिना फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। एनीवे, तो इसकी चिंता बाद में करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक काम करते हैं, जो कि है माइनिंग और बहुत सारी माइनिंग। तो लकीली लक के साथ मेरे पास में ही कई सारे आयन थे, लेकिन अनलकीली ये लैंड किसी और ने क्लेम किया हुआ था, यानी कि इसके ऊपर ना तो मैं माइन कर सकता हूँ और ना ही कुछ बिल्ड कर सकता हूँ। आगे मैं कैसे लैंड की तलाश में घूम रहा था जहाँ पर मैं माइन कर सकूँ, लेकिन तभी मेरे ऊपर होता है नागिन से भी बड़े जानी दुश्मन का अटैक, यानी कि म्योत का। तो देखते देखते बिना काउंटर अटैक के मेरा रियोलू मारा गया। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पास में किसी प्लेयर का घर था, जहाँ पर मुझे हीलिंग मशीन मिल गई और यहाँ से मैंने अपने पोकेमोन को रिवाइव कर दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद ही मैंने एक और बड़ी गलती कर दी, जो कि थी मियोत से बदला लेने की नाकाम कोशिश करना। मैंने मियोत के साथ रिमेस की और इसके अंदर मैंने यूज किया अपने शाइनी रियोलू का स्पेशल अटैक। बट टू बी ऑनेस्ट, ये वाला मियोत एनिमे के मियोत से कई गुना पावरफुल था। मेरे शाइनी अटैक्स करने के बावजूद मैं एक और बार हारा गया। दूसरी बार हार का स्वाद सखने के बाद मैंने पतली गली पकड़ी और आगे की ओर चल पड़ा। तो आगे थोड़ा ही चलने के बाद मेरे पेट में रट्टाटा यानी कि चूहे दौड़ने लगे। तो भूख को मिटाने के लिए मैंने एप्रिकॉन को खाने की कोशिश की, लेकिन मैं इसे खा नहीं पाया। तो खाने की तलाश में मैं जंगल के अंदर और भी आगे बढ़ा, जहाँ पर मुझे गिलहरी, ईल और इडली वड़ा जैसे गुस्सेल पोकेमोन दिखे, और इनकी लाइफ में बस एक ही मोटिव था, जो कि था बिना मतलब के मेरे साथ फाइट करना। लेकिन इस बार की फाइट मेरे हाथ में थी, मैंने इडली वड़ा पोकेमोन को आसानी से हरा दिया। तो इस पार्ट की जिद के साथ हमारा रियोलू हो गया लेवल 6 का। आगे मैंने रास्ते में कई और पोकेमोन के साथ फाइट की, उन्होंने शुरू की और मैंने खत्म की। तो ऐसे ही घूमते घूमते रात हो गई, और तभी मेरे साथ होता है एक चमत्कार। मेरे सामने एक जादुई पोर्टल खुला, जिसके अंदर से ऐसे ऐसे पोकेमोन निकले जिनके बारे में मैंने ना तो कभी सुना था और ना ही इन्हें कभी देखा था। तो ऐसी इस मोड के अंदर रिसेंटली एड हुई है, तो इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मुझे एक बात पक्की पता थी, जो की थी इन पोकेमोन को पकड़ना। मैंने पोकेबॉल का यूज किया ताकि मेरे पोकेमोन के पकड़ने के चांसेस बढ़ जाए। मैंने पहला पोकेबॉल फेंका और मुझे पता था कि मैं इसको पहली ट्राई में पकड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन इसके अलावा मेरे साथ एक और बुरी घटना घटी, जिसमें सारे स्पॉन हुए पोकेमोन डिस्पॉन हो गए। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस पोकेमोन को भी खो दूंगा, लिटरली मैं बहुत ही डर गया। लेकिन तभी बूम, मैंने फाइनली पकड़ लिया 70 लेवल के लेजेंडरी पोकेमोन फेरो मोसा को। गाइस, टू बी ऑनेस्ट, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने आखिरी सांस में इस पोकेमोन को पकड़ लिया। एनीवे,
तो अगले दिन मैंने खाना ढूंढना कंटिन्यू किया, तभी मुझे दिखता है एक पिकाचू। और एज यू नो फ्रीकी लूट एंड बड़े लेवल के पोकेमोन किसको नहीं पसंद, तो मैंने पिकाचू की तरह आम पोकेबॉल फेंका और अनलकीली ये वाला पिकाचू अमीर फैमिली से निकला। पिकाचू को आम पोकेबॉल पसंद नहीं आया और वो बाहर आ गया, इसीलिए मैंने ग्रेट बॉल का यूज किया जिसमें दूसरी बार में पिकाचू पकड़ा गया। तो इसी के साथ हमारे पास टोटल 3 पोकेमोन हो गए हैं, जिसमें से पहला है शाइनी, दूसरा है लेजेंडरी और तीसरा है ठीक ठाक लेवल का पोकेमोन। आगे मैंने क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट किया और उसकी मदद से मैंने बोट बनाई जिसमें बैठकर मैं निकल पड़ा सात समुंदर पार। बाय द वे भूख की वजह से मैं एक समुंदर भी पार नहीं कर पाया, बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी और खाना ढूंढना शुरू रखा। तभी मेरा ध्यान जाता है साइडक पे। मैंने साइडक को पकड़ने का डिसाइड किया क्योंकि यही एक पोकेमोन है जो कि ना तो कोई अकड़ दिखाता है और ना ही कोई होशियारी करता है। और बात करें साइडक को करने की, तो मैंने इसको बड़ी ही आसानी से पकड़ लिया। तो साइडक को पकड़ते ही मुझे दिखता है सामने आया हुआ विलेज यानी कि सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन जैसे ही मैं विलेज के पास पहुंचा, वैसे ही मुझे रियलाइज होता है कि ये पूरा विलेज एबेंडेड है। लेकिन फिर भी इस विलेज के अंदर एक लड़का था जो कि लगभग खत्म हुई खेती पे बीज बोने की कोशिश कर रहा था। मैंने इससे बात करने की कोशिश की क्योंकि इसके पास से मुझे खाना मिल सकता है। हेलो भाई, इतने दुखी क्यों लग रहे हो? मैं भी एक ट्रेनर बनना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं जो मुझे सिखा सके। ओके, मैं तुम्हें एक ट्रेनर बना सकता हूँ, लेकिन 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 क्या? लेकिन तुम्हें मुझे खाना खिलाना पड़ेगा, मेरे पेट में सुए फांगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ गुरुदेव। तो स्टीलबर्ग ने मुझे खाना दिया और मैंने इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया कि मैं इसको बहुत ही बढ़िया ट्रेनर बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ओके, तो स्टीलबर्ग अब बारी है हमारे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन की, जो की है सोना। देखो, खाना, सोना और आराम, ये तीन चीजें ऐसी है जिसको सही टाइम पे करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आज हम यही करेंगे। तो अगले दिन मैंने स्टीलबर्ग की ट्रेनिंग स्टार्ट की होगी उसके पोकेमोन को देखने से। स्टीलबर्ग के पास शाइनी फ्रोकी, जियोडूड, मिल्टेंक और माचो के था, जो की प्रीटी डिसेंट पोकेमोन है। आगे मैंने इसको अपने पोकेमोन दिखाए जिसमें से इसे पिकासू बहुत ही पसंद आया, और एक अच्छा गुरुदेव होने के नाते मैंने इसको पिकासू देने का वचन दे दिया। इसके बाद मैंने स्टीलबर्ग के साथ फाइट की ताकि मैं इसके स्किल को जान सकूं। तो फाइट के अंदर हमारा रियोलू कब हार गया वो तो पता ही नहीं चला, इसीलिए आगे मैंने चुना लेजेंडरी पोकेमोन फेरोमोसा को, और देखते देखते फेरोमोसा ने पूरी हारी हुई बाजी जीत के अंदर बदल दी। तो इसे देखकर साफ साफ पता चलता है कि स्टीलबर्ग को और भी कई सारी चीजें सीखने की जरूरत है, और मैं इस काम को अपनी जी जान लगा के करूंगा। तो यहीं से शुरू होता है हम दोनों का एक यादगार सफर, और सफर के अंदर सबसे पहले हमें दिखता है एक समकता हुआ पत्थर। तो हम दोनों में से किसी को भी नहीं पता कि ये पत्थर क्या है और क्या करता है, लेकिन आप में से कई सारे को पता होगा, तो कमेंट करके बताओ कि ये पत्थर है क्या और क्या करता है। हमने इस पत्थर को माइन करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन ये माइन भी नहीं हुआ, तो ठक हार के हमने वापस से घर बनाने की जगह ढूंढना शुरू किया, और तभी मुझे दिखता है एक बॉस पोकेमोन। तो ये बिल्कुल ही सही टाइम था हमारे सेले को शिक्षा देने का और उसके सामने हमारा सलवा दिखाने का। तो बॉस पोकेमोन के साथ फाइट शुरू करते ही मुझे रियलाइज हुआ कि ये पोकेमोन थोड़ा ज्यादा ही पावरफुल है। मैं इसके सामने भीम बन रहा था, लेकिन इसने मुझे सुटकी बजा के हरा दिया। तो गाइस, मैं यहाँ पर जानबूझ के हरा हूँ ताकि मैं ये दिखा सकूँ कि बॉस पोकेमोन कितने पावरफुल होते हैं। तो गाइस, बहुत हो गया खेलना कूदना, क्योंकि अब वक्त आ गया है हमारी हेलोवीन क्रेट को ओपन करने का। तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास है 10 हेलोवीन लिमिटेड एडिशन क्रेट कीज, जिसको आप भी खरीद सकते हो। आपको सिंपली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि है shop.pocketpixel.net, और यहाँ पर आपको कई सारी क्रेट कीज मिल जाएगी। ओके, तो क्रेट को खोलने के लिए हमें लिखना पड़ेगा /wop crates, एंड बूम, हम आ चुके हैं क्रेट वाले एरिया में। तो यहाँ पर आपको भांति भांति के लोगों की तरह भांति भांति की क्रेट्स दिखेंगी, लेकिन बिना मन में लड्डू फोड़े हम सिर्फ अपनी ही क्रेट में ध्यान देंगे और उसको ही खोलेंगे। तो ये इसके अंदर के रिवॉर्ड्स जो कि हमें मिल सकते हैं, और ये सब हमारे लक के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो यहाँ पर स्टीलबर्ग ने अपनी पहली की को यूज किया है और उसे मिला है राइचूजा पोकेमोन। चिल्लाने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अब मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। मैंने पहले क्रेट को ओपन किया और इसमें से निकला स्पिरिट एसपीएन पोकेमोन। तो आगे मैंने ऐसे ही सारे क्रेट्स को ओपन किया और इन सभी में से सारे के सारे बकवास पोकेमोन निकले। ओके, तो टेक्निकल गुरुजी की तरह अनबॉक्सिंग करने के बाद अब बारी है हमारे घर को बिल्ड करने की। लेकिन उससे पहले ये है हमारे पोकेमोन जो कि हमें क्रेट में से मिले हैं। लकीली इनमें कई सारे ऐसे पोकेमोन थे जिनके ऊपर बैठकर हम उड़ सकते थे। तो अगले दिन मैंने और स्टील बग ने घर बनाने के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करना शुरू ही किया था। एंड तभी हम जहाँ पहुँचते प्लेयर के खुले घर में, जहाँ पर एक्सचेंजिंग मशीन था। तो परिस्थिति का फायदा उठाते हुए मैंने किया वसंत का हाथ धो और एक्सचेंज किया अपना पिकाचू। बाय द वे, ये डील बहुत ही घटिया थी, क्योंकि मैंने अपने पिकाचू के बदले
अमोंग अस को लिया जो कि मेरे पास ऑलरेडी 5-5 पड़े हैं। बट कोई ना, क्योंकि एक शिष्य के लिए गुरुदेव का इतना त्याग तो बनता है। तो आगे हमने थोड़े बहुत कॉल को माइन किया, सेस्ट लूटी, साले साफ किए और फाइनली घर बनाना शुरू किया। तो गाइस, इस घर को मैंने और स्टील बग ने साथ में मिलके बनाया है, तो ये घर कैसा बना है और कैसा लग रहा है उसको कॉमेंट के अंदर बताना मत भूलना। ओके, तो हमारा बड़ा सा नथिंग स्पेशल, नथिंग ऑसम, सिंपल और क्लासिक होम स्वीट होम तैयार है। तो घर बनने के तुरंत बाद ही हमारे घर के पास में स्पॉन होता है एंटे, एंड लिटरली इसको पकड़ने के लिए मैंने अपने मास्टर बॉल के अलावा सारे पोके बॉल गवा दिए। मेरे सारे के सारे पोके बॉल व्यर्थ हो गए और मेरे हाथ में आया बाबा जी का ठुल्लू। तो अगले दिन मैंने हमारे घर के आसपास के लैंड को क्लेम किया और उसके ऊपर स्टील बग को परमिशन दी ताकि वो बिल्ड और माइन कर सके। इसके बाद मैं और स्टील बग माइनिंग पे गए और इस बार की माइनिंग के अंदर हमारा मेन गोल था डायमंड। लकीली माइनिंग के अंदर हमें बहुत सारे डायमंड मिले, लेकिन अल्ट्रा लकीली मुझे मिला लेजेंडरी पोकेमोन ग्रोडोन। मैंने बिना रुके, बिना सोचे, बिना थंबे इसके ऊपर मास्टर बॉल फेंका और किया बहुत सारा वेट। मुझे पता था कि मास्टर बॉल कभी फेल नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको खोने का डर मेरे अंदर बना था और इसी के साथ मैंने पकड़ लिया ग्रोडोन को। तो इस खुशी के मौके में मुझे और भी डायमंड मुंह मीठा करने के तौर पे मिले। आगे माइनिंग से वापस आकर मैंने ग्रोडोन को रेयर कैंडी खिलाई और उसे 100 लेवल पे मैक्स किया। तो इसके बाद मेरे पास लगभग रेयर कैंडी खत्म ही हो गई थी, इसलिए मैंने अपने डेली रिवॉर्ड को क्लेम करने का डिसाइड किया। मैंने सिंपली स्लेज डेलीज राइट किया और मुझे मिल गया मेरा पहले दिन का रिवॉर्ड जो कि था 12 रेयर कैंडी। तो हो गया है अगला दिन और वक्त आ गया है स्टील बर्ग को उसका आखिरी लेसन सिखाने का। तो इस लेसन के अंदर मैं उसे सिखाऊंगा कि कैसे बैटल को फाइट करते हैं और बैटल को जीतने पर क्या क्या मिलता है। हमने सबसे पहले हमारे पोकेमोन को रिवाइव किया और उनको रिवाइव करके हम निकल पड़े आगे की ओर। तो हमारी पहली लोकेशन और पहला जिम है फेरी जिम। तो फेरी जिम तक पहुंचने में बहुत ही टाइम लग गया और इस बार हमें सच में सात समुद्र पार करने पड़े, लेकिन फेरी जिम की इतनी प्यारी सुंदरता को देखकर हम अपनी सारी थकान भूल गए। ये जिम बहुत ही बड़ा होने के साथ साथ बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो मैं और स्टील इसके अंदर गए जहाँ पर हमें अलग अलग प्लेयर के साथ साथ उनके लेवल दिखे। तो बेसिकली इनके लेवल के अनुसार हम अपनी फाइट को डिसाइड कर सकते हैं कि ये टफ होगी या फिर इजी। तो एज वी नो पहले जिम की फाइट नॉर्मल थी, यानी कि हम इसको आराम से हरा सकते हैं। आगे मैंने यहाँ के जिम लीडर को सेलेक्ट किया और उसने मेरे सेलेक्ट को एक्सेप्ट किया और देखते देखते हमारी फाइट शुरू हुई। तो ये बैटल 3-3 पोकेमोन की थी और जिम लीडर के सारे पोकेमोन अंडर 50 लेवल थे, यानी कि इस फाइट को मैंने एक एक बार में ही जीत लिया। तो फाइट को जीतते ही मुझे मिला बेस केस और फेरी जिम का बेस। तो बेस केस के अंदर हम बेस को लगा सकते हैं और इन बेस को हम दूसरे लोगों को भी दिखा सकते हैं। तो गाइस, इसी के साथ हमने हमारा पहला बेस जीत लिया है और अब वक्त आ गया है दूसरे बेस को भी जीतने का। लेकिन इससे पहले मुझे एक दुख भरा काम करना है, जो की है हमारे प्यारे सेले स्टील बर्ग को विदा करना। स्टील बर्ग, मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये दुनिया ये दुनिया बहुत ही जालिम है। वैसे ये बात मेल नहीं खा रही, तो अंत में एक ही बात कहूंगा कि अपना ध्यान रखना और अपने गुरुदेव का नाम रोशन करना। ओके गाइस, तो हमारा डियो का सफर बदल गया है सोलो सफर के अंदर और इस तनाई को दूर करने के लिए मैं जा रहा हूँ क्रेट ओपनिंग सेक्शन में। मेरे पास है लेजेंडरी और रेयर क्रेट की, जिनको मैंने pocketpixel.net से ही खरीदा है, जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। एनीवे, तो सबसे पहले मैं ओपन करने के लिए जा रहा हूँ रेयर क्रेट और देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। ठीक है, 1, 2 एंड 3, इसमें से निकला है 2500 क्लेम ब्लॉक्स। इसका मतलब अब मैं अपने घर को और भी बड़ा कर सकता हूँ। तो अब फाइनली वक्त आ गया है लेजेंडरी क्रेट को खोलने का। ओके, 1, 2 एंड 3, बूम, इसमें से निकले हैं 7 शाइनी पोकेमोन्स। लिटरली गाइस, इतनी ऑसम क्रेट ओपनिंग आज तक मैंने पबजी में तो क्या अपनी लाइफ में भी नहीं की। तो गाइस, हमारा पहला पोकेमोन है होनेस। मुझे नहीं पता कि ये बढ़िया है या फिर खराब, लेकिन ये दिखने में ऑसम लग रहा है। बात करते हैं दूसरे पोकेमोन की, तो दूसरा पोकेमोन है लोपनी, जो कि बहुत ही क्यूट और
और बहुत ही सुंदर है। तो आगे मैं दूसरे जिम की तरफ जा ही रहा था तभी मुझे दिखता है एक रूइन पोर्टल। इसकी लूट में थी रेयर कैंडी, ओमेगा शार्ड, रिलिक स्टैचू और रिलिक वास। तो ये सारी लूट मेरे लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कीमती थी, इसलिए इनको लेने के तुरंत बाद ही मैं टेलीपोर्ट हुआ सर्वर की शॉप पे। इस बड़े से शॉप एरिया में हम सारी चीजें खरीद सकते हैं, फिर चाहे वो बैटल का सामान हो, फर्नीचर हो या फिर खाना, यहाँ पर सारी चीजें मिलती है। लेकिन इन सारी चीजों को खरीदने से पहले हमें पैसे चाहिए होंगे जो कि मिलेंगे हमारी लूट को बेचने से। तो मैं आ गया हूँ सेल शॉप पे और यहाँ पर हम अपनी चीजों को बेच सकते हैं, वो भी बड़े अच्छे दाम में। मैंने यहाँ के सेलर से बात की और मैंने इसको बेचा हमारा रिलिक स्टैचू और रिलिक वास। तो अगर आपने हमारे पहले की वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि रिलिक स्टैचू और रिलिक वास बहुत ही बढ़िया दाम में बिकते हैं। तो इन दोनों चीजों को बेचकर मेरे पास 4 लाख पॉकेट डॉलर हो गए। इनकी मदद से मैंने पार्क बॉल खरीदे जो कि कभी फेल नहीं होते, यानी कि सेम टू सेम मास्टर बॉल। और लगे हाथों मैंने 64 रेयर कैंडीज और थोड़ा बहुत फर्नीचर भी खरीद लिया। आगे ओवर वर्ल्ड में आकर मैंने ओमेगा शार्ड को जोड़ के रेड ऑर्ब क्राफ्ट किया। तो ये रेड ऑर्ब कोई आम ऑर्ब नहीं है, इससे मैं अपने ग्रोडोन को मेगा इवोल्व कर सकता हूँ, यानी कि अब होगा असली वाला बूम्बा। तो मैंने रेड ऑर्ब को ग्रोडोन पे लगाया और उसे मेगा इवोल्व करने की ट्राई की, लेकिन कोई भी असर नहीं हुई। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन कोई भी चीज काम नहीं करी, ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई गलती कर दी है। बट एनीवे आगे मैं जा पहुंचा दूसरे जिम पे और ये जिम कोई और नहीं बल्कि आइसबर्ग जिम था। तो जिम पे पहुंचते ही मैंने यहाँ के लीडर को बैटल के लिए सेलेंस किया और उसने मेरे सेलेंस को एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर शुरू होती है हमारे दूसरे बेस की फाइट। तो मैंने इस फाइट के अंदर ग्रोडोन को सिलेक्ट किया और तभी मुझे पता चलता है कि हमारा ग्रोडोन हो गया है मेगा इवॉल्व, यानी कि अब हमारा ग्रोडोन और भी पावरफुल हो गया है। तो ये फाइट बहुत ही आसान थी और इस फाइट को जीतकर मुझे कई सारे डायमंड और एक आइसबर्ग बेस मिला, यानी कि अब हमारे पास हो गए हैं टोटल 2 बेस। आगे मैं थर्ड सिम की तरफ जा ही रहा था तभी मेरी बोट अचानक गायब हो जाती है और मेरे कानों में आती है एक आवाज। मैंने आवाज का पीछा किया और मुझे पता चला कि ये आवाज पहाड़ के ऊपर से आ रही थी। तो जब मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ा तो मैं चौंक गया क्योंकि यहाँ का नजारा औसम था। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात ये थी कि यहाँ पर था म्यूट्यू और यही मुझे आवाज दे रहा था। मैंने इसका पिसा किया और इसको पकड़ने की ट्राई की। मैंने फाइट शुरू करके इसको रोक लिया और फिर मैंने इसके ऊपर यूज किया पार्क बॉल। तो आगे क्या होगा वो आपको और मुझे दोनों को ही पता है, पार्क बॉल मास्टर बॉल की तरह कभी फेल नहीं होता। तो इसी वजह से बिना किसी दिक्कत के म्यूट्यू हमारा हुआ। तो म्यूट्यू को पकड़ने के बाद अब बारी है थर्ड जिम के अंदर बैटल करने की। तो तीसरे जिम का नाम है स्टील जिम। तो यहाँ पर पहुँचते ही मैंने हमारे म्यूटू को 100 लेवल तक मैक्स किया और इसी दौरान मुझे पता चला कि म्यूटू के पास रिकवरी का भी मूव है, यानी कि इन मूव्स के साथ इस जिम के अंदर भी हमारी जीत पक्की है। तो देखते देखते हमारी थर्ड जिम बैटल शुरू हुई। तो ये फाइट ना तो मुश्किल थी और ना ही आसान थी। इस फाइट को जीतकर मुझे ड्रैगन स्कल और फाइट बेस मिला, यानी कि हमारे बेस की लिस्ट के अंदर एक और बेस बढ़ गया। एनीवे तो आगे मैं जा पहुंचता हूँ हमारे फोर्थ और आखिरी जिम पे जिसका नाम था फायर जिम। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैंने हमारी आखिरी फाइट शुरू की।
तो हाँ, मैंने इस फाइट को भी जीत लिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ म्यूटू के साथ। और इसे जीत कर हमें मिला फायर बेस और 2 XP कैंडी। तो गाइस फाइनली वक्त आ गया है हमारे सेले यानी कि स्टील बर्ग के साथ रीयूनाइट होने का। तो गाइस मैं आ गया हूँ हमारे होम स्वीट होम में, और देखने से ऐसा लग रहा है कि स्टील बर्ग एक्सपीरियंस से भरा हुआ है। तो इस एक्सपीरियंस को जानने के लिए हम इसके साथ फाइट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके पोकेमोन और बेस को देखेंगे। तो सब मैंने इसके पहले पोकेमोन को देखा तो इसमें कुछ नया नहीं था, लेकिन बात करें इसके दूसरे पोकेमोन की तो ये अलग ही लेवल का था। इसका दूसरा पोकेमोन एक बड़ा सा ड्रैगन था। लिटरली इसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी मैच हार के रहूंगा। आगे मैंने इसके 2 बेस देखे जो कि प्रीटी ऑसम थे, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 बेस कलेक्ट करना भी बहुत ही बड़ी बात है। एनीवे तो अगले दिन मेरे और स्टील बर्ग के बीच में रीमैच हुई, एंड आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? तो गाइस मैंने एक और बार इस फाइट को जीत लिया, और इससे हमें पता चलता है कि एक गुरु हमेशा गुरु होता है और एक सेला हमेशा सेला होता है। तो एट द एंड पॉकेट पिक्सल के डिस्कॉर्ड को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो इसी के साथ हमने फाइनली सर्वाइव कर लिए है 100 डेज इन माइनक्राफ्ट पिक्सल मोड। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और शो करना है वो करो।